एवरीवन वेलकम टू क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो इसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर फाइव नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर बी का ठीक है आज हमारा चैप्टर फाइव कंप्लीट हो जाएगा देन विल स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर इन वीडियो दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ठीक है एंड शेयर करें ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में भी पेपर ए नितिन सांगवन सर एसेंशियल सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो गया है उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी नितिन सांगवन एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर ए नाम से ठीक है आने वाले टाइम में इसमें और भी एडिशंस होंगी जैसे आपका इग्नो मटेरियल रिलेटेड टू एग्जाम जो भी होगा उसके मैं वीडियो बनाऊंगी एंड देन एक रिविजन होगी जो आपके प्रॉब्लम्स के बाद हेल्प हेल्पफुल रहेगा आपके लिए क्विकली रिवाइज़ करने के लिए ठीक है एंड पी वाई क्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ ठीक है अगर आपको पेपर बी का पी चाहिए लेटेस्ट एडिशन का जो कि आई गेस uh, नेट पर अवेलेबल नहीं है कहीं और मुझे तो कहीं नहीं मिला तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड करती हूँ जैसे हमारा चैप्टर वन टू थ्री फोर कंप्लीट हो गया है उन चारों चैप्टर्स के पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आज चैप्टर फाइव का पीडीएफ भी वहां पर अपलोड हो जाएगा तो कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कवर हो जाए कॉलोनियल पॉलिसीज एंड ट्राइब्स ठीक है तो इसमें बेसिकली हम डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं हम ट्राइबल आ, को डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ उनकी प्रॉब्लम्स उनकी एक्सप्लॉयटेशन ठीक है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो क्या क्या उनको फेस करना पड़ा एंड आगे हम ये भी देखेंगे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कौन सी जो पॉलिसी है वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए गवर्नमेंट को बेस्ट सूटेड लगी और क्या क्या पॉलिसीज़ पे क्या क्या बातें हुई तो कॉलोनियल पॉलिसीज एंड ट्राइब्स कॉलोनियल रूल से पहले मैंने आपको कहा जो इंडियन ट्राइब्स थे दे वर लिविंग इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज़ एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ द इंडियन पॉपुलेशन वो आराम से रह रहे थे अपनी लाइफ खास वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस खास तौर पर जो है एंजॉय कर रहे थे जो ब्रिटिश थे उसने एक्सप्लोय किया रिचेज ऑफ द इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया काफ़ी रिच जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड काफ़ी हाई था लेकिन उसके बाद इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने क्या किया ट्रेडिशनल फैब्रिक जो था इंडिया का इकोनॉमिक फैब्रिक जो था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया ठीक है उनका इकोनॉमिक एक्स्ट्रो, एक्सप्लोइटेशन जो थी इंडिया की वो काफ़ी हाई हो गई ब्रिटिशर्स के आने के बाद एंड इसका असर आपको ट्राइबल एरियाज़ में इंडियन ट्राइब्स में भी देखने को मिला जो तो ब्रिटिश पॉलिसी थी टर्ड्स द इंडियन ट्राइबल्स उसके दो बड़े एलिमेंट्स थे वो कौन सी दो चीज़ें थी जो फॉलो करने यहाँ पे फॉलो करने लगे पहला था वो फॉलो करते थे पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन कि वो चाहते थे ट्राइबल एरियाज जो है उनको मेन स्ट्रीम से आइसोलेट करें ठीक है एंड सेकेंडली इट वाज कि वो इंटरेस्टेड थे, थे सिविलाइज करने में इन पीपल लोगों को ट्राइबल पीपल को उनका मानना था ये वो वाइट मैंस बर्डन थियोरी का एक पार्ट है वाइट मैं बर्डन ठीक है व्हाइट मैं बर्डन मतलब उनको अपना आप सुपीरियर रेस लगता था एंड उनको लगता था ये उनके कंधों का बोझ है कि जो इन्फीरियर रेस के लोग जो है जो कॉलोनीज उनके अंडर है वो इन्फीरियर रेस है उनको उनको इम्प्रूव करना है तो वो इस फॉल्स मिथ और नोशन में रहते थे फाइन और वो अपने आप को सुपीरियर समझ के यहाँ पे लोगों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे इसी के चलते वो ट्राइबल एरियाज़ को भी सिविलाइज़ करना चाहते थे एक तो ये उनकी पॉलिसी थी सेकेंडली वो फेवर करते थे पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ठीक है जो कॉलोनियल रूलर्स से फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड एलिनेशन विद द ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइंटेशन हुई उसके फिर काफ़ी रिवॉल्ल्स आपने हिस्ट्री में देखे भी होंगे कितनी ज़्यादा अपराइजिंग्स हुई ब्रिटिश उसके टाइम पे आई गेस 900 अपराइजिंग्स हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे ट्राइबल एरियाज में ठीक है वो आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे सब कुछ यहाँ पे भी हम देखेंगे उनके नाम वगैरह मैक्सिमाइज करना उनका अर्निंग बेसिकली उनका क्या था उनको अपने रेवेन्यू से मतलब था ठीक है वो चाहते थे वो ट्राइब्स को लेके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि ट्राइबल जो थे ट्राइबल लोग थे वो एरिया जो ऑक्यूपाई करते थे वो काफी रिच एरिया होता था नेचुरल आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कितना वहां पर मिलता था ठीक है वो सारी चीजें जो है वो उनके लिए हेल्पफुल होती वो लैंड जो वहां पर था वो ब्रिटिशर्स वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और जो ट्राइबल लोग थे उनको वो यूज कर सकते थे एज चीप लेबर क्योंकि जो भी वहां पे यहाँ पे वो प्लांटेशन uh, करना चाहते थे जैसे कॉफी एंड टी प्लांटेशन कमर्शियली वो चाहते थे एग्रीकल्चर को कमर्शियल कमोडिटी बनाए लैंड को तो उसके लिए उनको चीप लेबर की जरूरत थी लेबर इंटेंसिव काम है ये प्लांटेशन जैसे आपके कॉफी प्लांटेशन कहीं पे कॉफी के बागान या टी के बागान उसके लिए आपको क्या चाहिए चीप लेबर चाहिए जो आपको कहाँ से मिलता ट्राइब, ट्राइबल पीपल जो थे वो इजीली आपके लिए अवेलेबल थे as चीप लेबर तो काफी उनके अपने मकसद थे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट करने के इनको तो ही वो इनकी पॉलिसीज पे बात करते थे कॉलोनियल रूल एंड ट्राइबल डिस्ट्रेस अब बिफोर द राइवल ऑफ कॉलोनियल जो इंडियन ट्राइब्स थे उनकी एक पीसफुल एक्जिस्टेंस थी ऑल दो मुगल्स के टाइम पे भी उनका कुछ एरिया लैंड वगैरह जो थी वो ले गए थे ठीक है मुगल्स के टाइम पे भी थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होने लगी थी उनके कामों में बट दैट वॉज वेरी मिनिमल और उससे ट्राइबल्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था उनके रिलेशन विद द फॉरेस्ट Were not minutely regulated by the rulers of the day and the tribes they were relatively free to exercise their basic existential right राइट जैसे वो minor forest produce वगैरह कलेक्ट कर सकते थे Minor forest produce जिसमें आपके नॉन टिम्बर जो प्रोड्यूस आता है फॉरेस्ट का जिसमें रिसेंटली आपका bamboo add हुआ ठीक है हनी वैक्स या आपका कोकून वगैरह तो वो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए एंड मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो फ्यूल एंड timber के लिए ठीक है वो सारी चीजें आपके मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं ये आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में एंड जूम कल्टिवेशन वो प्रैक्टिस करते थे इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये क्या होता है बेसिकली एक लैंड वहाँ पे आप खेती बाड़ी करोगे वो यूज करोगे जब तक वो प्रोडक्टिव है वो अनप्रोडक्टिव होगी आप वो एरिया जला देते हो एंड आप नेक्स्ट वो उस अनप्रोडक्टिव को वैसे ही छोड़ दोगे एंड आप नेक्स्ट एरिया में चले जाओगे ऑल दो लैंड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है बट देन वही उनका लाइफ था वही वो, वो प्रैक्टिस करते थे तो उनको ये सब किया देने जाता था टैक्सेस काफी कम पे करने होते थे हम बात कर रहे हैं बिफोर द अराइवल ठीक है टैक्सेस जो किंग्स को है वो काफी कम पे करते थे उनको खुश करने के लिए गिफ्ट वगैरह दे दिए उनको आइवरी एनिमल स्किन या फॉरेस्ट पेट्री जैसे हनी वगैरह उनको एज गिफ्ट दे दिया तो इसी चीज में दुख का काम चल रहा था सिचुएशन didn't too much change during even the mughal period also passage of time seven forest land was cleared uh, to pave way for agriculture ko jab improve karna pada to hame forest land ko clear karna pada to forest cover jo hai wo shrink hone laga theek hai lekin उतना सिग्निफिकेंट स्केल पे नहीं था ट्रैवल लोगों को उतना ज्यादा इससे असर नहीं पड़ रहा था जो इनिशियल अटेम्प्ट थे ऑफ द ब्रिटिशर्स टू ट्राइबल एरियाज इससे क्या हो गया काफी ज्यादा नागपुर में नहीं पढ़ने क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम सोशलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ इसका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट एक्सप्लोटेशन जो सोसाइटी पे थी वो एंगल देखना है बाकी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम एंड आंसर राइटिंग अच्छा रहेगा अगर ये नाम आप याद रखोगे एंड ये नाम आपको यहां सेपरेटली याद रखने के नहीं पड़ेगी क्योंकि हिस्ट्री में आप ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ लोगे ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन इमर्ज ये से सेग्रीगेशन क्या होता है इनको एक्सप्लेट करना है ट्राइवल्स को मेन स्ट्रीम से अकॉर्डिंगली कुछ एक्ट्स भी लेके आए जिसने कुछ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 सेवेंटी फोर ले टू द क्रिएशन ऑफ कुछ बैकवर्ड ट्रैक्ट्स ठीक है जब आप क्रिएट करते हो एक पर्टिकुलर एरिया को बैकवर्ड ट्रैक्ट का नाम देते हो दैट मीन्स आपके लिए वो कन्वीनियंट uh, हो जाएगा कल को अगर आपके लिए वहाँ आपको वहाँ के लिए कोई पॉलिसी लेके आनी है कोई अपलिफ्टमेंट पॉलिसी चाहे कोई वेलफेयर पॉलिसी चाहे ऑल हम ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन किसी को एक अलग देना सर्टन बैकवर्ड ट्रैक्ट आपके लिए ईजी हो जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्रिएटेड सर्टन एक्सक्लूडेड एंड मॉडिफाइड एक्सक्लूडेड एरिया तो बेसिकली कौन से एक्सक्लूडेड एरिया है ट्राइबल एरियाज या प्रिंसली स्टेट जहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होंगे एंड मॉडिफाइड एक्सक्लूडेड जहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई हो जाएंगे ठीक है तो बेसिकली क्या कर रहे हैं थोड़ा सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आइसोलेशन वाली पॉलिसी जो है उसके लिए कुछ एक्ट लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइव में कुछ अगेन कुछ इनर डिमार्केट के एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया एक्सक्लूडेड जिसमें आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगीफेरेंस होगी हो लेकिन मिनिमल होगी ठीक है तो ये सारी चीजें लेके आए टाइम टू टाइम ताकि ये थोड़ा ट्राइबल्स के लिए कुछ कर सकें कुछ काम कर सके इनका मोटिव हिडन मोटिव इनका इसमें हमेशा निगेटिव ही रहेगा वो आप बैक ऑफ द माइंड चलाते रहना वेरियर uh, एलविन जो है ये हमेशा फॉलो करते थे इन्होंने काफ़ी ट्राइबल्स को लेकर स्टडी किया अपनी पॉलिसीज़ दी तो ये आइसोलेशनिज्म पे बिलीव करते थे इनका मतलब था कि आप ट्राइबल को जो है वो आइसोलेट करो मेन स्ट्रीम से ही वर्क अ लॉट फॉर द ट्राइबल्स इन इंडिया टॉक्ट ऑफ क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्राइबल नेशनल पार्कस नेशनल पार्कस काइंड ऑफ बनाओ ट्राइबल एरियाज़ के लिए और उनको वहीं रहने दो उनको मेन स्ट्रीम से जो है आप अलग करो तो ब्रिटिश पॉलिसी थी टुवर्ड्स ट्राइबल जो थी इसमें दो एक्सट्रीम पोजिशन थे दे इधर एडोप्ट नॉन इंटरफेरेंस या उनको कंप्लीट एसिमिलेशन चाहिए थी तो दोनों में उनका जो मकसद था वो ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए तो नहीं था या इनको था कि कंप्लीटली उनको अलग किया जाए मेन स्ट्रीम से या उनको कम्प्लीटली एसिमुलेट किया जाए ठीक है इवन जो प्रिंसली स्टेट्स थे डिस्पाइट देयर फ्यूडल एंड रिग्रेसिव टैक्स नेवर इंक्लूडेड टू मच इन द ट्रेडिशनल ट्राइबल राइट्स प्रिंसली स्टेट्स भी इनमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे क्योंकि अपना देखो ट्राइबल एरियाज का अपना एक ट्रेडिशन था अपना उनका बिलीफ उनका रिलीजन जो फॉलो करते थे अलग तरीके के लोग थे तो क्यों छेड़खानी करनी है जब सोसाइटी सही से चल रही है लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या था पे आना मेन मकसद उनका रेवेन्यू था तो जहां से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने की वो वो नहीं छोड़ते थे इन राजपुाना प्रिंसली स्टेट्स में ट्राइबल से बिल्स एंड जो थे, वो कभी भी एलियनेट या ऑप्रेस डील नहीं करते थे ठीक है सिमिलर टू द ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया जो कहाँ थे किसके अंडर थी ब्रिटिश रूल के अंडर थी जो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर की ट्राइब्स थी वो आराम से रह, रह रही थी एंड जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर ट्राइब्स थी वो काफ़ी ज्यादा एक्सप्लाइट हो रही थी ब्रिटिशर्स ऑन द अदर हैंड उन लैंड को एक मार्केट कमोडिटी बनाया एंड नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो फॉरेस्ट थे वो इतने ज़्यादा क्लियर हुए थे जितने ब्रिटिशर के टाइम पे हुए थे जैसे मैंने कहा मुगल के टाइम पे भी थोड़ा जब उनको एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करना था तो लैंड क्लियरेंस का काम हो गया था लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट लेवल का नहीं था ब्रिटिशर्स ने तो फिर हद ही पार कर दी थी ठीक है तो डिसप्लेसमेंट होगी ट्राइब्स की और काफ़ी इशूज़ लाइक बॉन्डेड लेबर सब्जिगेन उनको टैक्स एंड फाइन्स पे करने पड़ते थे एंड देन इनडेटनेस मैंने कहा क्योंकि वो उधारी वगैरह लेते थे काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसिस को पूरा करने के लिए फिर उनको उसमें क्या करना था कर्ज में आ जाते थे तो लैंडलॉर्ड्स भी उनको एक्सप्ल करते थे भी उनको करते थे इस सब काम के अलावा उनको कन्वर्जन स्प्रीज भी वहाँ चली प्रोजिलिटाइज जिसको बोलते हैं करना जो क्रिश्चियन मिशनरीज जिसमें जिसके लिए यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया गया था बाइकोलोनियल रूल तो इसीलिए हम देखते हैं आज भी नाइनटी परसेंट जो पॉपुलेशन है नागालैंड में

इस पार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नहीं थे उनका अपना ट्राइबल नेशनलिज्म काइंड ऑफ सब नेशनलिज्म चल रहा था लेकिन फिर भी क्यों ब्रिटिशर्स जो थे इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे ट्राइब्स पे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी ऐसा ग्रुप uh, हो जिसको वो अच्छे से रूल ना कर पाए रूल ना कर पाए इन द सेंस जो ट्राइब्स थे वो नोमैटिक थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे जूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनका चलता रहता था काम वैसे करके तो वो एक जगह सेटल नहीं थे अगर एक जगह कोई एक ग्रुप सेटल होगा तो ही वो उस पर रूल कर पाएगा ना अच्छे जैसे मैंने कहा वो डिस्ट्रिक्ट वो बैकवर्ड ट्रैक्ट्स वाली आपको एग्जाम्पल दी थी कि जब कोई से आप एक चीज को स्पेसिफाई करो या एक लोकेशन पर रखो तो ही आप उसको रूल कर पाओगे अगर आप आज नॉर्थ में हो कल आप साउथ में चले गए फिर आप सेंट्रल

ज ए रिजल्ट जो लैंड सेटलमेंट पॉलिसी है वॉज इंट्रोड्यूस इन ट्राइबल एंड फॉरेस्ट एरियाविजल कल्टिवेटर डिफाइंड एंड फिक्सड ठीक है तो कुछ पॉलिसी वहाँ पर ट्राइबल फॉरेस्ट एरियाज के लिए भी वो लेके आए थे लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था और प्रैक्टिस जैसे जूम एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो थी इट कंटिन्यूड इन मेनी एरियाज ठीक है वो ट्राइबल जो सेटल डाउन हो गए थे एज पीजेंट वॉट वेल ऑफ आदर एज देर इक्वली टॉर्मेंटेड बाई द गवर्मेंट ऑफिसर्स एंड मनी लैंडर्स अब जो 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 उनका मकसद था सेटलमेंट का वो यही था इनको कराने का ताकि वो उनको बाद में अच्छे से एक्सप्लॉयड कर सकें इसीलिए वो ट्राइब जो सेटल्ड पीजेंट्स सेटल हु सेटल डाउन एज पेजेंट्स ठीक है जो ट्राइब सेटल्ड पिजेंट्स बन गए थे उनका भी कोई हाल अच्छा नहीं था वो भी एक्सप्लॉयड जो है बड़े लेवल पर होते थे जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिशेड ट्राइबल्स टू बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रलाइज ब्यूरोग्रेट इन द मनी लेंडर्स रेवेन्यू फार्मर्स मिडलमैन ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेड ट्राइबल्स अब जहां पे इन्होंने इनको इंटीग्रेट करना चाहा स्ट्रीम अग्रेड इकॉनम के साथ दैट मीन्स इनको सेटल्ड प्रेजेंट्स बनाना चाह तो वहां पे वो कहाँ पे आ गए वो आ गए अंडर द क्लासेस ऑफ जमींदार्स ठीक है क्योंकि जमींदार वो भी कोई बोले बाले नहीं थे वो भी एक्सप्लॉयट कर ही रहे थे प्रेजेंट्स को तो उनको एक्सप्लॉयटेशन के लिए और एक कैटेगरी मिल गई आपके नए नए ट्राइबल जो सेटल्ड प्रेजेंट्स आप बन रहे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हर साइड से फेस करे थे टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन जैसे मैंने कहा स्टार्ट हुई थी ठीक है माइनिंग भी जो थी वो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई उनको चीप लेबर चाहिए था तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो मिजरेबल कंडीशन में उनको काम करना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा डेथ्स वगैरह भी माइन्स में होती थी प्लांटेशन एंड लॉन्ग ट्रैवलिंग जो थी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी तो ऐसे सब में क्या हुआ अब ट्राइबल अपराइजिंग भी होना शुरू हो गई ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने एक एक्ट लेके आए क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 और इसी एक्ट के चलते कॉन्सेप्ट आया था ठगी का जब उनको ठग्स बोला गया जो ट्राइबल एरियाज हैं ठीक है थीके? तो उनको कहा क्रिमिनल है बाई बर्थ इनमें जीन्स ही ऐसे हैं कि चोरी चकारी इनका जो है वो नॉर्मल काम है तो इनको ऐसी चीजों से लेबल किया गया एंड इस ठगी सिस्टम को इन ठग्स को सो कॉल्ड ठग्स को जो ब्रिटिशर्स ने कहा था कंट्रोल करने के लिए अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कॉलोनल स्लीमैन उनको अपॉइंट किया था तो तो उन्होंने क्या किया था था पे भी इनको देखो तो, इनको uh, right right shoot, इनको इनको देखो राइट राइट टू टू किल या शूट ऑर्डर दिया गया था, ऐसे करके एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल इन दिविलियन एन फिफ्टी 1857. <coughs> अब क्यों और ये एक्ट की जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज थे एक तो आपके ठग्स वगैरह जो वो काम हो रहे थे एंड देन उन्हें ट्राइबल्स जो थे उन्हें पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तो जो भी 1857 का पार्ट था बना था उसको इन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की जैसे आपने 1857 में देखा होगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी काफ़ी ज़्यादा विजिबल थी ठीक है तो इसके बाद उन्होंने एटीन के बाद ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी लेके आए थे ठीक है तो बेसिकली 1857 में जिसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उसको ही खत्म करने की भी कोशिश करते थे तो ये सारी चीजें इस एक्ट को लेके इसमें लिखी हैं सिंपल सी चीजें हैं आप वो देख लेना एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन ऑफ ट्राइबल जो थे इट वॉज बाय बाय्रो एक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी ठीक है एक एक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी एंड अ स्लीव ऑफ फॉरेस्ट एक्ट जो थे दे डिप्राइव ट्राइबल्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट राइट्स एंड लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन वन हैंड और इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया एंट्री ऑफ़ ट्राइबल्स ऑन द अदर हैंड कि एक तो आप वहाँ से उनका लाइवलीहुड वगैरह वो भी ख़त्म कर रहे हो एंड देन उनकी एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो क्योंकि फॉरेस्ट लॉ जो एटीन सेवनटी एट का था उसने क्लासीफाई किया फ़ॉरेस्ट को एज रिज़र्व एंड प्रोटेक्टेड फॉर एरियाज़ में ठीक है तो रिज़र्व फॉरेस्ट में जो थे जो ए फॉरेस्ट का एरिया रिज़र्व था अगर ये फॉरेस्ट है इसमें कुछ एरिया रिजर्व बनाया एंड कुछ प्रोटेक्टेड जो रिज़र्व है वहाँ पर ट्राइबल की भी जो एंट्री थी वो बैन की गई काफी खतरनाक वहां पे रेस्ट्रिक्शन पुट की गई प्रोटेक्टेड में कुछ उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन <coughs> मिली थी लेकिन अभी भी काफी चीजों में वो रेस्ट्रिक्टेड ही थे तो वाइल रिजर्व फॉरेस्ट नॉट एक्सेसिबल टू ट्राइबल्स इन प्रोटेक्टेड ऑल्सो एक्सेस वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट तो जो जंगल ट्राइबल थे जहाँ पे वो रह रहे थे उनके लिए वो एलियन प्रॉपर्टी बनने लगी क्योंकि जो उनका घर है बेसिकली आप वहीं के लिए अब उनके लिए रूल्स लेके आ रहे हो कि इस घर के इस कमरे में वो जा सकते हैं घर के इस कमरे में वो नहीं जा सकते हैं जिस कमरे में वो जा सकते हैं वहाँ पर भी सिर्फ कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स इंडिपेंडेंस के इतने टाइम के बाद इस चीज़ को करेक्ट किया गया एंड उनको कुछ रिलेक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई ठीक है अकॉर्डिंग टू विद्यार्थी एलियेशन फ्रॉम फॉरेस्ट वज नॉट ओनली इकनॉमिक अब देखो अच्छा यहाँ देखते हैं इवन द एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग ऑफ कैटल ठीक है एंड या कलेक्शन ऑफ फ्यूल वूड वगैरह उसको भी इलीगल डिक्लेयर किया गया और ट्राइबल्स को कहा हर काम के लिए उनको क्या करना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरेस्ट लॉज वर्सो एग्जॉस्टिवेंट कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग टू एलविन एवरी ट्राइबल वायलेटेड मेनी ऑफ देम इन द सिंगल डे तो विद्यार्थी ने कहा था <clears throat> जो एलियनेशन है फ्रॉम फॉरेस्ट वाज नॉट ओनली इकोनॉमिक लेकिन वो एलिनेशन इमोशनल भी थी एंड कल्चरल भी थी क्योंकि अब वो उनका घर था जंगल तो उससे वो इमोशनली भी कनेक्ट होते थे तो उस चीज़ से भी उनको दूर किया गया ठीक है इवन ड्यूरिंग द प्रिसडिंग मुगल पीरियड ट्राइबल्स वर गिवन सिग्निफिकेंट लिबर्टीज मुगल टाइम पे मैंने कहा उनको लिबर्टीज थी ऑल दो कुछ श्रिंकेज हो रही थी फॉरेस्ट की लेकिन वो उतनी प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं हो रही थी द ऑर्गेनिक लिंकेज विद द ट्राइबल्स हैड द फॉरेस्ट Was with just a of तो जो भी उनका रिलेशन था लैंड के साथने को की कोशिश की वाइल द ट्राइबल्स वस राइट जो लाइवलीहुड राइट्स है वो भी डिनाई किए गए और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो थी उनकी वो बहुत बड़े हाई लेवल पे हो रही थी इस वजह से क्या हुआ था काफी ज्यादा अपराइजिंग उसके टाइम पे हुई तो ब्रिटिशर्स ऑल्सो एज्यूम्डम टू रोल एंड इट हैड रिलीजस एज वेल एज रेशल सुपीरियोरिटी ओवर टोन्स अब था कि उनको हमें रिडीम करना है उनको हमें बेहतर बनाना है तो इसके लिए उनको क्या वो क्या, क्या चाहते थे कि उनको थोड़ा वो सुपीरियोरिटी वो वाइट मैं बर्डन वाली चीज़ यहाँ पे आगी कि अपनी सुपीरियोरिटी से वो उनको थोड़ा इंप्रूव कर सकें तो उसके लिए वो रिलीजस वाला काम भी आ गया रेशल भी आ गया क्योंकि खुद को सुपेरियर समझ रहे हैं रिलीजस आ गया कि उनको वो रिडीम करने के लिए उनके रिडेमशन के लिए क्रिश्चन मिशनरीज को यहाँ पे भेजा और यहाँ पे जो प्रोजेलिटाइजिंग एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो इस वजह से भी सोसाइटी

जो हमें पता है कंडीशन बुरी थी ठीक है ये हमने सारा देखा यहाँ पे हिस्टोरियन गुहा ने कहा देर कहा गया देर हैव बिन मोर देन हंड्रेड ट्राइबल अपराइजिंग्स कॉलोनियल रूल के टाइम पे ट्राइब्स हैड स्टार्टेड टू रिजेंट द ब्रिटिश पॉलिसीज बाई द लेट एटीन सेंचुरी एंड बाय अर्ली नाइनटीन सेंचुरी टाइबर एंगर था इट वॉज क्वाइट ऑन सरफेस कुछ एग्जाम्पल्स है कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर में पहली सिग्निफिकेंट अपराइजिंग थी एटीन थर्टी में इट वॉज डिवन बाई कोल हो एंड मुंडा ट्राइब्स ठीक है फोर्स इंट्यूजन की वजह से तो और एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे तमार अपराइजिंग हो गया भूमजी रिवॉल्ट करिया ठीक है तो यहाँ पे आप देख लेंद खोड और गुमसर अपराइजिंग इन द मॉडर्न डे ओडिशा इट वॉज अनदर सिग्नीफिकेंट रिवॉल्ट बाय खोन ट्राइबल्स लेड बाय डोरा बिसोई तो ये सारी चीज़ें आप जो हिस्ट्री में भी पढ़ोगे बस यहाँ पे आपके नाम याद रखने हैं द लार्जेस्ट अमंग द ट्राइबल अप्लाइजिंग वो कौन से थे आपके संथाल रिबेलियन काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है छोटा नागपुर 1855 में इट वाज ऑल्सो प्रिकर्सर टू द ग्रेट रिबेलियन ऑफ एटीन फिफ्टी में हुआ था तो एटीन से आप उसका बोल सकते हो प्रिकर्सर था उससे पहले एक बहुत बड़ा ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ था इट वॉज लेट बाई सिद्धू कानू एंड इसमें चार नाम इंपॉर्टेंट थे आपका सिद्धू कानू चांद भरियो ऐसे कुछ नाम आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे ठीक है यहाँ सिद्धू कानू याद रखोगे तो इतना इट वुड डू द फाइट ऑफ ट्राइबल्स वर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल एज वेल एज यूजोरियस मनी लेंडर्स जो थे जमींदार ट्रेडर्स उनने भी उनकी लाइफ जो थी वो मुश्किल बनाई थी अनरेगुलेटेड वर्किंग ऑफ ऑफिशियल्स के साथ एंड डेट ट्रैपिंग बाई मनी लेंडर्स ठीक है क्योंकि वो कर्जे में डूब जाते थे उनके उनकी वजह से द ट्राइबल्स वर फ्रिक्वेंटली टर्निंग इन टू बॉन्डेड लेबर्स जिनको कामयाबी बोलते हैं फाइन उनको फिर क्या करना पड़ता जब वो डेट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बंधुआ मजदूर उनको बनाया जाता था तो मूवमेंट्स वॉज मेनली कंसंट्रेटेड इन कोल और संथाल परगना फिर इसका रिजल्ट बाद में ऑल इसको क्रश किया गया था बहुत वायलेंट तरीके से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उसके बाद आ, संथाल परगनाज बने थे समथिंग 25 पर गनाज और ऐसा ही कुछ बना था ठीक है बाद में इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आया था पॉजिटिव रिजल्ट क्यों लाया था ब्रिटिशर्स ने क्योंकि वो नहीं चाहते थे जितने बड़े स्केल का संथाल रिबेलियन हुआ था और कोई ट्रैवल अपराइजिंग इतने बड़े लेवल पे हो ठीक है आगे देखते हैं ट्रैवल मूवमेंट जो है आपकी वो आपकी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के साथ भी आगे जाके मिल गई ठीक है मूवमेंट लेड बाय बिरसा मुंडा इज वन सच एग्जांपल एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट नाम है प्री में भी आया था आई गेस एक दो साल पहले ठीक है तो ये कहाँ पे था uh, जगह का नाम क्या था उलुगुलन. तो तो ऐसा ही ही कोई क्वेश्चन आया था उलुगुलन बिरसा तो बिरसा मुंडा मुंडा से रिलेटेड जो थे वॉज रिवाइवलिस्ट बाई है पुराने ट्रेडिशन को गोल्डन पास्ट पास ट्राइबल्स को रिवाइव करना चाहते थे और काफी एक रेवरेंट फिगर थे इनको काफी पूजा जाता था ही कंसिडर हिमसेल्फ एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड एंड मोटिवेट किया था लोगों को एबंधन करने के लिए नया रिल रिलीजन को एंड अडोप्ट दियर ओल्ड रिलीजन तो रिवाइवल से तो पुरानी ग्लोरी पे रहते थे कि पुराना जो हिस्टोरिकल गोल्डन पास्ट है ट्राइब्स का वो वापस आना चाहिए इनको बिरसा भगवान भी लोकली वहाँ पे बोला जाता था ही कॉल्ड ऑन द ट्राइबल पेजेंट्स टू पे नो रेंट एंड रिफ्यूज अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन इन्हें एक बड़ा मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया था अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड उनके जो फॉलोअर्स थे दे ऑल्सो लॉन्च गुरेला वॉर देखो जो ट्राइबल एरियाज थे ये गुरिला वॉरफेयर यूज़ करते थे गुरिला टैक्टिक्स भी इसको बोलते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं जैसे आपकी एनिमी आप पे आ रही है अटैक करने के लिए जब इनको लगेगा आगे से अटैक हो रहा है तो थोड़े पीछे जाएंगे ठीक है रिट्रीव करेंगे फिर जब इनको लगेगा आर्मी थोड़ी सी अब वीक हो रही है लेट बैक हो रही है पीछे जा रही है तो उस टाइम पे अटैक करेंगे ये एक जगह अटैक करेंगे दूसरी जगह मूव करेंगे वहां से अटैक करेंगे तो ये इनका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता है ये कुछ कुछ टाइम के लिए अटैक करते हैं फिर गायब हो जाते हैं एक जगह अटैक करेंगे जहां एक्सपेक्टेड होगा नेक्स्ट टाइम पे दूसरी जगह अटैक करेंगे तो ये सबको मिला के हम गुरिला गुरिला टैक्टिक्स बोलते हैं तो ये इन्होंने भी गुरिला वॉर जो है वहां पे लॉन्च किया था बिरसा वो द ब्रिटिश एंड डाइड इन जेल इन नाइनटीन फिर आगे देखते हैं इट इज टू बी नोटेड कि जो ट्राइबल रिवॉल्ट थे इन अ पर्टिकुलर एरिया वर नॉट अ वन ऑफ इवेंट नहीं थे सेम ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो बार बार रिवॉल्ट करते थे ठीक है टाइम एंड अगेन एज अ रिलेक्सेशन दै ब्रिटिश यूज टू ऑफर वर टू मीगर या जो एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्राइबल्स है वो कभी रुकी नहीं वो इतनी ज्यादा होती थी कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो भी कॉन्टिन्यू रहता था छोटा नागपुर एरिया जो आपका सेंट्रल एरिया है सेंट्रल इंडिया वो हॉट बिट था ट्राइबल रिवॉल्ट का ठीक है ये कोई ना कोई ट्राइबल ग्रुप वहाँ से कभी ना कभी रिवॉल्व करता ही था कुछ सालों में सिमिलरली अपराइजिंग जैसे सिंहपो और जिंगपो संथाल एंड सो ऑन अकर्ड मोर देन वनस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल तो टोटल मिला के मोर देंड्रेड अपराइजिंग जो है ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुई थी अपार्ट फ्रॉम द मेजर रिवॉल्स अब वो कुछ और रिवॉल्ट यहाँ पे बस नाम लिखे हुए हैं ये आप देख लेना वो आप याद रख सकते हो ठीक है इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है बोलने के लिए ब्रिटिश रूल जो थे लेड टू एंड इनक्रीज इन द सफरिंग ऑफ ट्राइबल ये हमने अभी तक देखा कैसे एज अ होल इकोनॉमिक बेस ऑफ ट्राइबल जो था इट वॉज इरोडेड ड्यू टू एग्रेसिव फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसीज लेके आए कि उन्हीं को जो है एलिनेट करने की कोशिश की अपने लैंड से कि वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका हक उस पर जो है वो कम किया गया रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पॉलिसी वैसी पॉलिसीज लेके आए थे ठीक है तो इसी एक्सप्लॉयटेशन उनकी होती रहती थी अकॉर्डिंग टू तो बुद्धा देव उन्होंने अपनी बुक में लिखा जो हिस्टोरिकल जो रेलवेज वगैरह का काम हुआ था उससे क्या हुआ उनकी हिस्टोरिकल आइसोलेशन ब्रेक हो गई ठीक है क्योंकि अब इजी एक्सेस मिला उनके एरिया से एंड ऑल्सो इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ अनचेक्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट एसेमिलेशन लीडिंग टू डी ट्राइबलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स तो डी ट्राइबलाइजेशन हो गई क्योंकि इस सब कामों के बाद क्या हो गया हिस्टोरिकल आइसोलेशन खत्म हो गई उनको एसिमलेट करने की कोशिश की मेन स्ट्रीम के साथ तो इससे क्या हो गया अननेसेसरी और इंडस्क्रिमिनेट एसिमिलेशन से डी ट्राइबलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स तो ऐसे की

तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कॉलोनियल रूल इट रिड्यूस ट्राइबल पीपल टू टू कैजुअल लो पेड लेबर ठीक है मैंने आपको कहा चीप लेबर भी वो प्रोवाइड करते थे अब इश्यूज ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन अटोनमी अब देखो दो हमारे पास इशू आ गए हैं ट्राइबल को लेके एक तो आपका इंटीग्रेशन हुआ या अटोनमी हुआ इंटीग्रेशन किया बिल्कुल उनको इंटीग्रेट करो मेन स्ट्रीम के साथ तो फिर उनको क्या वो चाहते हैं इंटीग्रेट होना उनको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे क्योंकि वो तो कट ऑफ थे मेन स्ट्रीम से तो उनका जो लाइवलीहुड है उनका लिविंग रहन सहन रिलीज रिलीजन सब कुछ अलग है तो उनको इंटीग्रेट करोगे तो काफ़ी ज्यादा और प्रॉब्लम uh, सामने आएंगी अटोनमी की आप उनको अपने हाल पे छोड़ दो अगर बिल्कुल उनको इंडिपेंडेंस दे दो तो हो सकता है कल को वो इंडिपेंडेंस ही डिमांड करे कि हमें इंडिपेंडेंट uh, ये दे दो स्टेटस दे दो हमें अलग ही कर दो या उनकी जो डेवलपमेंट है वो वहीं की वहीं रह जाएगी अगर आप उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दोगे तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है इनको फेस करनी पड़ी थी इनफैक्ट uh, फैक्ट इसके आपके इंडिपेंडेंस के बाद भी ये दो प्रॉब्लम जो है ये यही रही थी कि क्या इनको कैसे करके हमें सॉल्व करना चाहिए जो इशू ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट है इंटीग्रेशन ऑटोनॉमी है इट गेन प्रोमिनेंस जुरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्योंकि कॉलोनियल रूल जो थे एक्सपेरिमेंटेड विद न्यूमरस अप्रोचेज फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे हमने देखा अलग अलग पॉलिसीज लेके आए इनको अप्रोच करने के लिए इनकी प्रॉब्लम्स को लेकिन इनकी एक्सप्लोटेशन कम नहीं हुई और साथ में इनका रिटालिएशन जो आगे से था जो रिवॉल्ट के थ्रू सामने आता था, था वो भी बढ़ता गया इनका कम्पलेक्स रिलेशनशिप है विध नेचर क्योंकि नेचर पर ही डिवेल करते हैं ठीक है हिस्टोरिकल सेंस ऑफ अटोनोमी इनको है क्योंकि इनको पहले से पता था कि हम अलग हैं और इनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस और इनफ्यूजन अपने उस प्राइवेट स्पेस में नहीं चाहिए नेटिव सब नेशनलिज्म ऑफन पोज चैलेंज टू द अटेम्प ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि इनका नेटिव सब नेशनलिज्म इनको पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम के साथ होने में कोई गरज नहीं है वो नेशनलिज्म इनका नहीं है इनका नेटिव सब नेशनलिज्म है कि अपने ट्राइबल के विद इन इनको नेशनलिज्म वो वाली फीलिंग है उस ट्राइबल को मेन स्ट्रीम से मिलाने के लिए इनका ऐसा कोई नेशनल सेंटिमेंट जो था वो नहीं था तो इस वजह से इंटीग्रेशन में भी पॉलिसीज जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही थी ब्रिटिश फेस रेपोकोशन ऑफ़ प्रो एक्टिव अप्रोचेज इन फॉर्म ऑफ न्यूमरस रिवॉल्व जैसा हमने देखा एंड दियरफॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हैड टू डेलीबरेट अ लॉट ऑफ नॉट ऑन दीज इशूज बिफोर कमिंग विद अप विद अ पॉलिसी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट तो ब्रिटिशर्स तो अपनी जान छुड़ा के फिर हाथ छुड़ा के ट्राइबल्स से चले गए थे इनफैक्ट जब वो गए थे तो उन्हें ट्राइबल्स के बारे में इतनी सब कुछ बुरी बातें भी करी थी कि ट्राइबल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम रह जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सोच समझ और सूझबूझ के साथ इनको पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट जो है ट्राइबल एरियाज़ के लिए

अर्ली पोलिटिकल इशूज टेम फ्राम द फैक्ट दट देवर नो क्लियरली डिफाइंड रिलेशन ऑफ ट्राइबल्स विद ब्रिटिश इंडिया ये भी था कि उन क्लियरली डिफाइंड कोई रिलेशन उनके पास नहीं थे वो बाद में वॉश ऑफ देअर हैंड्स फ्राम द ट्राइबल इशू चले गए थे यहाँ से उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करने की कोशिश की ताकि जो ट्राइबल्स हैं दुश्मन रहे किसके इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और यहाँ प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए रहे सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल्स थे देवर असिस्टेड बाई एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ग्रुप जैसे अपने माओज्म सुना होगा माओइस्ट एंड दे फोर बट इस ऑल्सो डेंट स्नो बॉल इन टू अजर थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी हाउवेर जो माओज्म है जो तो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ग्रुप जिनने हेल्प किया ट्राइबल प्रॉब्लम्स को थोड़ा इंक्रीज करने में इंडिया को लेकिन डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बड़ी थ्रेट थ्रेट ये पोज नहीं कर सके इवन जो आपका नक्सलिज्म है उसने भी कहीं ना कहीं वो भी उसने भी ट्राइबल एरियाज को अपने अंदर ले लिया था ट्राइबल इशूज़ भी लैंड रिफॉर्म तो थे ही उनके ट्राइबल इशूज़ को भी अपने अंदर ले लिया वो प्रेजेंट करने के लिए लेकिन उसको भी सक्सेसफुली कर्व किया गया फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इट इज नाउ वाइडली एक्नोलॉजी दर जो इंटीग्रेशन अटोनोमी है ये बाइनरी ऑपोजिट्स नहीं है बेसिकली अब क्या करना है आपको आपको इंटीग्रेट भी करना है लेकिन आपको जो उनकी आइडेंटिटी है उस पर ज़्यादा थ्रेट भी इम्पोज नहीं करना है आपको उनको अटोनमी भी देनी है लेकिन अटोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि जो बेसिक डेवलपमेंटल नीड्स हैं जैसे हेल्थ एजुकेशन बेनिफिट वगैरह है वो एटलीस्ट आपको उनको प्रोवाइड करने हैं तो अगर ये इंटीग्रेशन एक एक्सट्रीम है एटोनॉमी दूसरा एक्सट्रीम है आपको इसके कुछ पॉइंट्स लाने हैं इसके कुछ पॉइंट्स लाने हैं और कोई मिडवे निकालना है तो इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि ये बाइनरी ऑपोजिट्स नहीं है ठीक है एलविन ने कहा था वी डोंट वांट टू प्रिजर्व ट्राइब्स मैन एज म्यूजियम स्पेसिमेन बट एट द सेम टाइम वॉन्ट डेवलपमेंट क्लॉक शुड टू शो द राइट टाइम डेवलपमेंट का काम भी हो जाए एंड उनको बिल्कुल आप अलग भी ना करो ठीक है जो इशू ऑफ ट्राइबल अटोनोमी एंड इंटीग्रेशन है इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द नेशनल लीडरशिप इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एक फेमस आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट हुआ था नाइनटीन में भी डिबेट चल रहा था ठीक है जो आइसोलेशन साइड है वो कहते थे ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन चाहिए ट्रेडर्स से मनी लेंडर्स से हिंदू एंड क्रिश्चन मिशनरीज से क्योंकि सब किसी हर कोई क्या कर रहा था अपना मतलब पूरा कर रहा था और डी ट्राइबलाइज कर रहे थे किसको ट्राइबल एरियाज को इस व्यू को सपोर्ट किया हुटन ने एंड उसको बाद में एलवे ने थोड़ा मॉडिफाई किया नेशनल पार्क्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ठीक है कि कोई चेंज मत करो और उनका जो रिवाइवल है जो उनका पास्ट है रिवाइवल उसको उनमें रहने दो ठीक है रिवाइवलिज्म करो उनके उस ग्लोरियस पीरियड को वो नेशनल पार्क्स में अगर रहेंगे वो खुश रहेंगे ठीक है जो इंटीग्रेशनल्स थे उन्होंने कहा इंटीग्रेट करो ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में जैसे उन्होंने कहा अः ये बैकवर्ड हिंदूज हैं ठीक है बैकवर्ड हिंदूज किसने कहा था जी एस गुरिये ने तो वो भी इंटर इंटीग्रेशन प्रोटेगेस्ट आप उनको कह सकते हो जिन्हें प्रोपोगेट किया था इंटीग्रेशन का आइडिया एंड दे प्रॉब्लम्स हैड टू बी बड्रेस विद द सेम फ्रेमवर्क एज द वन यूज फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ठीक है तो जैसे हम बैकवर्ड क्लासेस को टैकल करते हैं वैसे हमें शेड्यूल इनको ट्राइब्स को भी टैकल करना चाहिए अन अर इंटीग्रेशन आर्गूमेंट वॉज है जो ट्राइबल्स एंड दे हैव है लेफ्ट बिहाइंड इन द डेवलपमेंटल रेस तो डेवलपमेंट हमें उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है इसलिए आपको उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम के साथ मेनी मनी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सपोर्टेड सिमिलर इंटीग्रेशन की बातें कहाँ पे हो रही है कौन से लोग कर रहे हैं आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं आपके पोलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं तो दैट मीस देक्टेड फ्रॉम अबो लेकिन ट्राइब से कोई नहीं पूछ रहा है कि उन, मतलब आ, उनको क्या चाहिए ठीक है तो टॉप टू तो बॉटम अप्रोच अगेन फॉलो हो रहा है बॉटम अप नहीं हो रहा है कि ट्राइब से बातें सामने आए ट्राइबल का कोई लीडर आए ट्राइब्स की रिप्रेजेंटेशन हो फिर वो अपनी बात करें वैसा नहीं हो रहा है ये फ्रॉम अबो ये सारी बातें जो है ये हो रही है ठीक है जो ट्राइब्स एंड दे आर द बिगेस्ट सफरर्स ऑफ डैम्स एंड माइनिंग रिलेटेड डिस हमें जैसे पता है जो भी डेवलपमेंट का काम होता है फॉरेस्ट एरियाज में तो ट्राइब ट्राइब्स को काफी ज्यादा उसमें फेस करना पड़ता है जो इशू है ट्राइबल इंटीग्रेशन का विद लार्जर सोसाइटी इसको आप दो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख सकते हो पहला पर्सपेक्टिव था पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन ठीक है एंड दूसरा पर्सपेक्टिव था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सेकंड पर्सपेक्टिव गिव्स इज टू पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अब कल्चरल इंटीग्रेशन में क्या बात हुई है कल्चरल इंटीग्रेशन में बात हुई है फॉर एग्जाम्पल आपके ट्राइब कास्ट कॉन्टेनियम की कल्चरली कैसे इन दो को इंटीग्रेट किया जाए ट्राइब्स को एंड कास्ट को ठीक है तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम है जैसे एस सी रॉय एस सी रॉय ने कहा था को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए जना एंड जाति की जना बेसिकली टर्म यूज होता था वैदिक एज में जो गैंगटिक एरिया गैंगेटिक प्लेन्स इंडो गैंगटिक प्लेन्स जो है ठीक है वहाँ पे जो डिफरेंट ट्राइब सेटल होती थी उनको जना बोलते थे संस्कृत में एंड वो जो एरिया ऑक्यूपाई करते थे उनको जनपदा बोलते थे ठीक है तो उन्होंने कहा था को एग्जिस्ट करना चाहिए आपका जन जाति जाति इज रिलेटेड टू ए कास्ट गुरिये ने क्या कहा कि वो बैकवर्ड हिंदूज हैं दैट मीन जो लोवेस्ट रंग सेक्शन है हिंदूज का उनको आप ट्राइब्स बोल सकते हो तो वहां से वो कॉन्टिन्यू हो सकता है ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यू की इन्होंने बात करी थी बिते ने क्या कहा था कि जो ट्राइब्स हैं एंड कास्ट है वो सिमिलर हैं क्योंकि उनके लिटिल रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है इसलिए आप उनको क्या कर सकते हो कल्चरली इंटीग्रेट कर सकते हो सेकंड पर्सपेक्टिव मैंने आपको कहा ये बात करते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की इसके इंपॉर्टेंट नाम है सुरजीत सिन्हा इन्होंने कहा उनको इंटीग्रेट करना आपके लिए इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है क्योंकि आपको चीप लेबर वहां से प्रोवाइड होता है किसके लिए आपके फार्मर्स एंड माइनर्स के लिए तो देरफोर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आपका ट्राइब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूम की बात इन्होंने की जो ट्राइबल लोग हैं ट्राइबल पीपल हैं आप उनको एज पेजेंट जो है वो काम करवा सकते हो एग्रीकल्चर फील्ड में या माइनिंग के काम में आप उनको कर सकते हो तो वहां से उनके लिए इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है इंटीग्रेट करना ट्राइब्स को कास्ट को ठीक है ट्राइब्स को आप बोल सकते हो इसके साथ लार्जर सोसाइटी के साथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ तो ये दो जो हैं ट्राइबल इंटीग्रेशन के इसको हम दो ब्रॉड से पढ़ते हैं ये याद रख लेना वो कौन से हमने पढ़े कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल नेसेसिटी कल्चरल में हमने नाम कौन से देखे, देखे? एस सी रॉय जिन्हें जनजाति की बात करी गुरिय हमें पता है बैकवर्ड ठीक हिंदू इन्होंने क्या कहा इनमें कम रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं एंड दूसरा पर्सपेक्टिव जो है जिसने बात की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की उसमें इंपॉर्टेंट नाम है सुरजीत सिन्हा ठीक है तो ऐसे करके आपको अपने नोट्स बनाने होंगे और वो आपके लिए रहेगा रिविजन के लिए टॉप ड्रिवन मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट एजेंडा जो है हैज़ ऑफन टू ट्राइबल हैमी वही मैंने कहा टॉप टू -to डाउन वही बातें हो रही हैं जो आ, वो वाले लोग बात कर रहे हैं ट्राइब्स की जिनका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है वो बस डेवलपमेंट पॉलिसीज चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको ट्राइबल के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा बॉटम अप्रोच लगाना पड़ेगा ना कि टॉप डाउन अप्रोच नंबर ऑफ ट्राइबल रेबर जो है इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड किस पीरियड में अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वॉल्टर फर्नांडिस ने इन पावर एंड पावरलेसनेस कहा अराउंड थर्टी मिलियन पीपल जो है उनको डिस्प्लेस किया गया है बाय डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और इसी टाइम पे जो ट्राइबल लेबरर्स है उनका भी जो ये परसेंटेज है वो बढ़ गई है पॉवर्टी अमंग ट्राइबल जो है वो फिफ्टी है मोर देन द नेशनल एवरेज जो ये काफी बुरी हालत में है ऑल्सो फेयर पोअरली ऑन अदर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी इनका अगर आप बाकी हेल्थ वगैरह बाकी मोटिलिटी रेट्स देखोगे और इनकम uh, जितनी कमाते हैं वो भी काफ़ी इनका बुरा चल रहा है दिन द नेशनल एवरेज अकॉर्डिंग टू दी सोशोलॉजिस्ट वर्जीनियस जाजा ट्राइबल इंटीग्रेशन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन रहा है नॉट एन एम्पेरिकल रियालिटी ठीक है प्लान्स तो बनाए लेकिन रियालिटी ऑन ग्राउंड प्लान ने काम नहीं किया है ठीक वेल द लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैव बीन सक्सेसफुल इन कार्विंग आउट देयर ओन स्टेट्स ट्राइबल जो है आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर मीनिंगफुल इटोनोमी लिंग्विस्टिक फैक्शन में हुआ स्टेट का पहला डिविजन किस बेसिस पे हो गया इंडिया में वो लिंग्विस्टिक फैक्टर पे ही हो गया ठीक है लेकिन ट्राइबल्स को अभी भी अपनी ऑटोनोमी जो है वो नहीं मिली ऑल दो प्लान से फिफ्थ ईयर प्लान एंड डाइवर्सिफाइड अप्रोच फ्रॉम ईयर प्लान ये सारी बातें इसमें हो गई ट्राइब्स को लेके ट्राइबल्स सब प्लान भी लेके आ गए इनकी डेवलपमेंट के खासकर इनकी डेवलपमेंट की जहाँ पे बातें हों बट वो सारी इनएडिकुट रही हैं ऑन ग्राउंड ठीक तो हम देखते हैं फाइनली आ, ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड ऑटोनोमी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आई गेस ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है हाँ हम इसको कवर करेंगे हमारा चैप्टर साथ में कम्प्लीट कर देते हैं अदरवाइज इट लिंगर्स ऑन ट्राइबल इंटीग्रेशन अटोनोमी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन इंडिया कैसे हुई आपके इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्राइबल पंचशील जो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने उसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ट्राइबल पंचशील में बेसिकली क्या हुआ था इसमें बात हुई थी कि आप ट्राइबल को कैसे ट्राइबल एरियाज़ को कैसे आप डेवलप करोगे ठीक है तो पांच पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं इन्होंने कहा था ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन दी ओल्ड जीनियस ऑफ द ट्राइबल्स दैट मीस जहाँ ट्राइबल डेवलपमेंट की बात होगी तो वहाँ पर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उनका कल्चर अलग है उनका रिलीजन अलग है उनकी हिस्ट्री अलग है ठीक है उनका लैंग्वेज अलग है तो इन सारी चीज़ों को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा तो इट शुड बी बेस्ड ऑन दी ओल्ड जीनियस ऑफ ट्राइबल्स आप बिल्कुल उनको एक नया रूप नहीं दे सकते हो ट्राइबल एरियाज को ट्राइबल शुड बी ट्राइब्स शुड बी ट्रेन टू तो पार्टिसिपेट इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज जब आप उनको पार्टिसिपेट करोगे तो ही वो बॉटम्स अप अप्रोच हो जाएगा तो ही टॉप ड्रिवन अप्रोच नहीं चलेगा इनके लिए उनकी बातें सामने आएंगी जब उनके रिप्रेजेंटेशन होगी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुड भी इनिशिएटेड दैट में एलिनेट दैम अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आप लोगे तो आपको प्रोज एंड कॉन्स उसके अच्छे से करने होंगे एस एस उनको आप फर्दर एलिनेट या उनसे वो टेकअवे नहीं कर सकते हो राइट जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से होते हैं

तो किसी किसी जगह इस डिमांड को वॉलेंटली हैंडल किया गया और किसी जगह पीसफुली हैंडल किया गया जैसे आपका झारखंड एंड छत्तीसगढ़ बना 2000 में एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी आपकी 2019 में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्राइबल लीडर्स है लाइक जयपाल सिंह डिमांडेड एन एक्सक्लूसिव ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट आउट ऑफ बिहार विच दे कॉल्ड झारखंड जो बाद में हुआ भी नागाज जो थे दे टुक एग्रेसिव पाथ फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव ठीक है तो उन्हें वॉयेंट मीन यूज़ किए मेनी राउंड ऑफ स्टेट रिओर्गनाइजेशन एड्रेस द इशूज ऑफ अटोनोमी ओवर द ईयर्स एंड कुछ कुछ डिमांड जो है वो मीट की गई जैसे आपका झारखंड छत्तीसगढ़ लद्दाख भी इसमें ऐड करना क्योंकि करंट का भी पार्ट बन जाता है तो ये सारी डिमांड्स इन स्टेट्स एंड यूटीज़ के बनने से पूरी करी गई और जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी काफ़ी बड़ी मूवमेंट रही ऑल्दो इसका रिजल्ट जो था ये डेवलपमेंटल काम फिर भी जो है कंटिन्यू हुआ था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जब भी हम ऐसी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो काफ़ी एक बड़े स्केल पे मूवमेंट हुई थी और काफ़ी चीज़ें इसे जो है वो सामने आई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डेवलपमेंट से कितनी ज़्यादा रिलेटेड है एंड कोई भी डेवलपमेंट के लिए आपको पहले डिसप्लेसमेंट इश्यूज़ जो उस एरिया में होंगे उनको कितना ज़्यादा ध्यान उन पर देना होगा ये सारी चीज़ें आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से सामने आई थी इट वॉज लेड बाय मेडा पाटकर एंड बाबा आमते ठीक है तो यहाँ पे अगर आप इनका ग्राफ देखो ये आपके ट्राइबल्स हैं और ये आपका नेशनल एवरेज है पूरे इंडिया में तो एजुकेशन में कितना पीछे है एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर वहां पे क्या हाल है बैंकिंग एक्सेस पक्का हाउस चाइल्ड मोर्टलिटी ज्यादा है रूरल पॉवर्टी ज्यादा है ड्रॉप आउट रेट्स क्लास वन से क्लास टेन तक वो ट्राइबल एरिया में कितनी ज्यादा है इस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा उनकी हालत कितनी बुरी चल रही थी इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगशन भी इनको दिया काफ़ी ज़्यादा टो नेटिव ट्राइब्स ताकि इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए फॉर एग्जांपल शेड्यूल फाइव जो है वो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिकली लेके आए शेड्यूल सिक्स आपके ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ठीक है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वो सेटअप प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल इंटरेस्ट को नाइनटीन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया ट्राइबल सब प्लान जहाँ पे एडिशनल फंडस इनको एलोकेट किए गए इनकी डेवलपमेंट के लिए उन ट्राइब्स में जहाँ पे मोर देन उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मोर देन फिफ्टी ट्राइबल पॉपुलेशन है 1996 में थ्रू ऑफ पंचायत पंचायत पीसा एक्ट तो जो पंचायत का प्रोविजन है वो कहाँ पे एक्सटेंड किया था इन्होंने टू स्केड्यूल्ड एरियाज आल्सो ठीक है इस एक्ट में जो ग्राम सभा है उसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज जो उनके एरिया में होंगे तो ऐसी सारी चीजें जो इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए है कंट्री ने काम किया है scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest Rights act Shortment 2006 it was also another significant move just they recognized here right of tribal areas Tribals school and traditional forest dwellers school. द पीसा एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हैबली सक्सेसफुल इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ क्या क्या इशू इन्होंने एड्रेस किए हैं डिसप्लेसमेंट के एक्सक्लूजन फ्राम मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट एस एस इशूज तो जहाँ पे आप ये एक्ट आपने डिटेल में पढ़ोगे एनवायरमेंट में यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं लिखना है सोशोलॉजी बस आप इतना लिखोगे कौन कौन से इश्यूज एड्रेस किए हैं और इन एक्ट का नाम लिखोगे तो दिस वुड डू आपके आंसर को काफी अच्छा लुक देगा डिस्पाइट कंसर्टेड स्टेट लेट एक्शन जो फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन हैज़ नॉट लेफ्ट ट्राइबल्स अब थोड़ा इसका नेगेटिव क्रिटिसिज्म उनकी पॉलिसीज का ऑल दो लॉ लेके आए हैं लेकिन अभी भी वो जो है एलिनेटेड रहते हैं ठीक है इट इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट ट्राइबल जो है उनको अभी भी एक्सप्लोइड किया जाता है बाय मनी लेंडर फॉरेस्ट ऑफिशियल मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वगैरह देर इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ही इतनी कम है तो उनको कौन बताएगा उनके लिए उनके फेवर में क्या क्या लॉ है एंड देन अगर उनको पता भी होगा क्या जब वो जहाँ जाएंगे अथॉरिटीज के पास वो एड्रेस करने के लिए इश्यूज क्या अथॉरिटीज उनकी चीज़ों को उनके कंसर्न को सीरियसली लेगा कि नहीं तो ऑन ग्राउंड काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं दैन जॉब पेपर पे उनके लिए क्या करते हो लेके आते हो पेस ऑफ रिफॉर्म मीनी कॉलोनल पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरस्ट वो काफी पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर तक चलती रही जैसे मैंने आपको कहा उनको रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरस्ट जो कहे गए थे वो बाद में कब करेक्ट किया टू थाउजेंड सिक्स में इंडिपेंडेंस के कितने सालों बाद तो मतलब आप खुद ही बोल सकते हो जो पेस है उनकी वो कितना स्लो है और उनके इश्यूज एड्रेस करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा गवर्नमेंट गा को have, जो ट्रेडिशनल राइट्स है फॉरेस्ट डवेलर हैं वो डूली रिकग्नाइज ऑलमोस्ट सिक्सटी ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो कंटेप्रेरी नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है वो भी लिंक रिलेट होती है किसके साथ आपके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ज्वेलर्स एंड डाउन प्रोडन पीजेंट्स के साथ तो वो भी एक प्रॉब्लम रही है अनड्रेस इन ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्पेशली माइनिंग वगैरह उसके इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे मैंने कल के स्टार्टिंग में कहा था वेदांता जो है जॉइंट वेदांता इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था जो माइनिंग का काम कर रहे थे ओडिशा में जहरिया ट्राइब्स ने वो किया था ठीक है 2010 में ये हुआ था तो इससे पता चलता है इंडिपेंडेंट इंडिया में भी उनके साथ काफी ज्यादा अभी भी जो है एक्सप्लॉयटेशन इश्यूज हो रहे हैं अब रिसेंट ईर्यरस में देर हैज़ बीन कंसर्टेड एफर्ट टू एड्रेस द डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी इशूज ऑफ ट्राइबल एरियाज जैसे कुछ ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट प्लान इक्लविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप किए गए उनके लिए स्कीम्स लाइक वन बंधु कल्याण योजना ये सारी स्कीम्स आपको याद रखनी है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट से लिंक करने के लिए आपने गवर्नमेंट ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप किया 1987 में ताकि उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है या हैंडलूम्स वगैरह है उसको आप क्या करो प्रमोट कर सको एंड देन उसको मार्केट के साथ लिंक करो ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए एंड सेटअप ट्राइबल कम्युनिटी ओन्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वन धन केंद्राज ठीक है वो किसके अंडर वन धन स्कीम जो उनके लेके आए थे ये लॉन्च हुई थी एट्टीन टू थाउजेंड एटीन में ट्राइफेड फेड ऑल्सो रन शॉप्स अंडर द ब्रांड ट्राइब्स इंडिया मार्केट करने के लिए ट्राइबल प्रोडक्ट्स को तो यहाँ पर आपके ट्राइब्स वाला चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है ये वाला जो पैराग्राफ है ये किसी भी ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन का आपका अच्छा सा कंक्लूजन बन सकता है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम है वो एक स्कीम को आपको डिटेल में नहीं लिखना है आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो है उसके नाम यहाँ पे लिख रहे हैं लिख दोगे ठीक है वन धन स्कीम लिख दोगे वन बंधु कल्याण योजना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ के आए हो तो दिस कम्प्लीट से चैप्टर नंबर फाइव नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स टिल द टाइम में अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे